नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। मैं हमेशा ही आप सभी के साथ नए नए विषय पर चर्चा करता रहता हूँ। आज का जो विषय है वो है नॉर्थ फेसिंग घर। मेरे पास एक बने हुए घर का नक्शा आया है जो कि नॉर्थ फेसिंग है। इस घर के अंदर वास्तु के अनुसार क्या क्या कमियाँ हैं और इसे कैसे सही कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। मेरे पास घर का जो नक्शा है, इस घर में रहने वाले फैमिली मेंबर ज़रूरत से ज़्यादा परेशान है। वास्तु के अनुसार घर का जो नक्शा बना हुआ है वो भी लगभग सही बना हुआ है, फिर भी ये लोग ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हैं। आपका घर भी इसी प्रकार से बना हुआ है और आपको परेशानी आ रही है, तो ऐसा कारण क्या है, आज मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। आपका जो घर है वो नॉर्थ फेसिंग है। जो एंट्रेंस बनी हुई है वो एंट्रेंस नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के भाग से बनी हुई है। फ्रंट के भाग में एक ड्राइंग रूम बना हुआ है जिसकी एंट्रेंस बाहर से है और दूसरी एंट्रेंस अंदर से है। घर के मध्य भाग में लॉबी बनी हुई है। साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम बना हुआ है और साउथ ईस्ट में किचन बनी हुई है जो कि वास्तु के अनुसार बिल्कुल परफेक्ट मानी जाती है। और साउथ वेस्ट के भाग में जो मास्टर बेडरूम बना हुआ है ये भी वास्तु के अनुसार अच्छा माना जाता है। वेस्ट के भाग में टॉयलेट बनी हुई है और यहाँ पर ये शाफ्ट बनी हुई है और ये आपकी अपनी टॉयलेट बनी हुई है। ईस्ट के भाग में यहाँ पर ग्राउंड से लेकर टॉप तक जाल बनाया हुआ है। फिर भी यहाँ पर रहने वाले व्यक्ति मेंबर परेशान हैं। अब मैं आपको परेशानी का कारण बताना चाहूँगा। आप जानना चाहेंगे कि ऐसा कारण क्या बना। घर में रहने वाले जितने भी मेंबर हैं उनमें आपस में झगड़ा भी होता है, एक दूसरे की बात बिल्कुल भी नहीं मानते, कलह हमेशा बना रहता है और जो घर के बच्चे हैं वो भी ज़िद्दी हो गए हैं और वो भी किसी की बात नहीं सुनते, अपनी मनमानी करते हैं। ऐसा कारण जो घर के ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के भाग में स्टेट्स बनी हुई है इसके कारण है, क्योंकि जो स्टेट्स यहाँ पर बनी है यानी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के भाग में बनी है, ये स्टेट्स ग्राउंड से फर्स्ट, फर्स्ट से सेकेंड, सेकेंड से थर्ड या टॉप फ्लोर तक गई है और यहीं पर सीढ़ियों की जो ममटी बनी है उसके कारण ये परेशानी आई है। जब भी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का भाग बिल्डिंग के लेवल में ऊंचा हो जाता है तो ऐसे घर में रहने वाले सभी मेंबर परेशान रहते हैं। घर की जो महिलाएं हैं उनके व्यवहार में भी परिवर्तन आता है, वो अपनी मनमानी करती है, जो घर के मेल मेंबर है वो उनकी बात सुने समझे और उन्हीं के अनुसार वो काम करें, और जो घर के मेल मेंबर है उनको हर जगह मान सम्मान नहीं मिलता क्योंकि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का भाग ऊंचा है। जो स्टेयर्स आपकी बनी हुई है वो स्टेयर्स आपकी बाहर से फ्रंट के भाग से बनी हुई है। एक दरवाज़ा बाहर गली में लगता है और एक दरवाज़ा आपका अंदर की ओर बनता है। ऐसे ही ये स्टेयर्स हमारी ग्राउंड से फर्स्ट पर चली जाती है और फर्स्ट से सेकंड पर। जो स्टेयर्स से लॉबी में निकलते हैं वो ईस्ट से वेस्ट की ओर निकलते हैं। आप स्टेयर से लॉबी में निकलते हैं और यहीं से गैलरी से होते हुए इन्हीं के ऊपर स्टेयर्स बनती चली जाती है और ये स्टेयर्स आपकी ग्राउंड से लेके टॉप तक जाती है। आपने करना क्या है, स्टेयर्स के जो नीचे का भाग है यानी ग्राउंड फ्लोर पर यदि आपने स्टोर बनाया हुआ है तो आप उस सारे सामान को वहाँ से हटाएं, फालतू का सामान रखा हुआ है तो आप उनको भी हटाएं, और इसी के साथ आपकी अपनी मोटर लगी हुई है यानी जो आपकी पानी की मोटर है और वो आवाज़ करती है तो आपने उस मोटर को भी सही कराना है। इसी के साथ छत के ऊपर जो ममटी बनी हुई है आपने अपनी इस ममटी से ऊंचा कमरा साउथ के भाग में साउथ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक जरूर बनाना है। जब तक आपका कमरा साउथ वेस्ट के भाग में साउथ के भाग में नहीं बनेगा तब तक आपका कर्ज भी नहीं उतरेगा और ना ही घर के माहौल में परिवर्तन आएगा। आप अपने घर का माहौल अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप अपने घर के साउथ के भाग में साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट तक कमरा जरूर बनाएं, रूम जरूर बनाएं। यदि आप रूम बनाने में सक्षम नहीं हैं तो आप साउथ वेस्ट के भाग में एक प्लास्टिक का पाइप खड़ा करें। प्लास्टिक के जो पाइप है उसकी जो हाइट है आपकी ममटी से ऊँची
होनी चाहिए। अकेला आप ये काम भी कर लेते हैं तो इससे भी आपको राहत जरूर मिल जाएगी। इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जो स्टेज की ममटी बनी हुई है इसमें बाहर के भाग से और अंदर के भाग से आपने लाइट ग्रीन कलर का पेंट कराना है। इसी के साथ आपने एक काम और करना है, आपका ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, जितनी भी मंजिल आपकी बनी हुई है, स्टेयर्स की जो ये दीवार आती है इस दीवार पर आपने एक लुकिंग मिरर लगाना है। लुकिंग मिरर का साइज़ 2 फीट बाई 3 फीट का होना चाहिए। यदि आपके यहाँ स्पेस कम है तो जैसा आपके यहाँ स्पेस है उसके हिसाब से आप लुकिंग मिरर लगा सकते हैं। और लुकिंग मिरर इस प्रकार से लगाना है जिससे कि हम खड़े होकर लुकिंग मिरर में अपना चेहरा देखें तो उसमें सिर आपका ना कटे। इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जो आपकी अपनी स्टेयर्स बनी हुई है, स्टेयर्स ग्राउंड फ्लोर से लेकर टॉप फ्लोर तक, यदि आप अपनी स्टेयर्स की धुलाई करा सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा, आपको बेहतर रिजल्ट जरूर मिलेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जब आप स्टेयर्स की धुलाई करें, वॉश करें, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि आपका पैर स्लिप ना हो, आपको चोट ना लगे। जो उपाय मैंने आपको बताए हैं ये उपाय करने से आपको बेहतर रिजल्ट जरूर मिल जाएंगे। आदमी अपने आप में सोच तो लेता है कि मैंने वास्तु के अनुसार घर बना लिया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी जरूर रह जाती है। आपने भी अपना घर वास्तु के अनुसार बनाया हुआ है और आपको भी बेहतर रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो आप चेक करें कि आपके यहाँ क्या कमी है। आप अपने घर के प्रति वास्तु सलाह लेना चाहते हैं तो वास्तु सलाह ले सकते हैं, और आप अपने घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं तो वास्तु के अनुसार आप अपने घर का नक्शा भी बनवा सकते हैं। आप सभी मेरी वीडियो देखते हैं उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।